أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

मदद करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं ताय करीमा में अबुदो वा इया का नसाइन की आई में वाजह तौर पर इबादत

यक़ीनन वही ही लायक इबादत है लायक स्तानत है इसी तरह खुदा के देगर तमाम हुस्ना इबादत और इस्तेणानत का खुदा से मखसूस होने पर दलील है बस इन दलाल में एक छोटा सा फ़र्क है और वह फ़र्क यह है कि वो दलाइल जिन में खुदा के मुकम्मल कमालात के मालिक होने मुकम्मल और मुतलक रब होने खुदा की रहमत का आम होने खुदा की खास रहमत को जिक्र किया जा रहा है और इनके ज़रिए दलील पेश की जा रही है इनमें से हम खुदा को इस कायनत के बतौर फाइल और खालिक के देख रहे होते हैं जो हर चीज़ खुद की नहमत से नवाज रहा होता है लेकिन वो दलील जिसमें हम मा के योम दीन के जरिए दलील पेश दलील पेश की जा रही होती है उसमें हमारी नज़र गायत और अख्ताम और क्यामत की तरह होती है और कयामत है जिसमें हर चीज खुदा की तरफ पलटेगी और हमारी नज़र उस क़यामत की तरफ उस इंतहा और अख्तितम की तरफ होती है लेकिन है कुरान करीम की कुछ ऐसी आयत भी जिनमें फाइली निज़ाम को भी यानी आलम की इब्तदा को भी और गाय निज़ाम को भी यानी आलम के अख्ताम को भी मलहू खातिर रख कर दलील पेश की जा रही होती है जैसे कि सूर्य महारा हूद की एक सौ तेईसवें नंबर की आयत आखिरी आयात तमाम तर आसमान और जमीन न सिर्फ आसमान और जमीन के जाहिर बल्कि उनके गैब भी उनके बातन को भी खुदा के लिए आश्कार है खुदा जानता है और सब खुदा ने नमत वजूद से नवाज रखा और उन्हें खल किया है और हर एक का पलटना खुदा ही की तरफ है बस हर चीज उससे है और उसी ही की तरफ पलटेगी इसी रू से न सिर्फ इंसान बल्कि कायन की हर शे का पलटना खुदा बंद मताल की तरफ है व हम खुदा से है और खुदा ही की तरफ पलटेंगे लिहाजा सिर्फ वही खुदा जो आसमान और जमीन के जाहिर और बातिन का मालिक है और हर चीज उसके हाथ में है उसके कब्जे कुदरत में है सिर्फ वही खुदा इबादत का लायक है और यही वजह सूर्य मुबारक हूद की एक सौ आयत की नंबर की आयत में जब खुदा इस निज़ाम फाइली और गायब का तस्करा फरमा रहा है उसके बाद फाए नतीजा का जिक्र फरमा रहा है फाए नतीजा या फाय तफरी जिसे अरबी ग्रामीण में नतीजे के तौर पर लाया जाता है कि उससे पिछली इबारत पिछले अलफाज पिछले जुमरत का नतीजा इस फा के बाद बयान किया जा रहा है कि जब खुदावंद मुताल को इस कायनात के निजाम फाइली और निज़ाम गाय के के तौर पर बयान कर लिया कि खुदा ही है और ये जान लिया कि खुदा ही है कि इब्ती कायनात की उससे है और कायनात का अख्ताम भी खता पर है तो फा अब फा अब उसकी इबादत करो और बस उसी ही की इबादत करो वह और उसी पर ही तो करो इंसान चाहे मुवाहिद हो या मुलहिद हो चाहे खुदा को मानता हो या ना मानता हो हर इंसान ज़ीफ़ है कुरान की आयत इंसानो इंसान को खुदावंद मुताल ने जयीफ कल फरमाया लिहाजा इंसान अपनी ख्वाहत अपनी एहतियाजात को खुद ही पूरा नहीं कर सकता अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी का मोहताज है अब मुवाहिद इंसान जो खुदा को मानता है अपनी ख्वाहत पूरा करने के लिए खुदा के सामने हाथ पैलाता है खुदा से अपनी ख्वाहिशा पूरा करने की तलब करता है लेकिन वो इंसान जो है खुदा को नहीं मानता वो अपनी ख्वाहिशा खुदा से नहीं मांगता वो अपनी ख्वाहत तबीयत से नेचर से मांगता है सुरहूद की इस आयत आय करीम का ये कहना है क्योंकि तमाम तर उमूर खुदा के हाथ में है चाहे वह उमूर इब्ताय के उमूर हो खल खिलकत के उमूर हो खुदा ने सबको ख़ल फरमाए चाहे अख्तितम के हवाले से हो तमाम तर चीज़ों का पलटना खुदांद मतार की तरफ है लिहाजा सिर्फ खुदा ही की इबादत करनी चाहिए और उसी पर ही तो करना चाहिए इबादत में भी और तवक्ल में भी बस उसी की पनाह इख्तियार करनी चाहिए इसके बाद अगला पॉइंट जो बयान किया जाओ ये कि इस निज़ाम हस्ती में न तो कोई मौजूद अपनी जगह पर ठहर सकती है बल्कि हर मौजूद हरकत पर है और नहीं जो हरकत कर रही है हर चीज़ वो अपने रास्ते से भटक सकती है क्योंकि हर कोई खुदा की तरफ जा रहा है खुदा की तरफ हरकत कर रहा है न तो रास्ते रास्ते में रुक सकता है और ना ही गैर खुदा की तरफ हरकत कर सकता है हाँ ये ज़रूर है कि जब वो बारगाह इलाही तक फाइज होगा तो जब बारगाह इलाही तक पहुंचेगा तो वो रहमत और आ, महर और उतुफत के खुदा की महर और उतुफत तक पहुंचेगा या खुदा के गज़ब और, कहर और इंतकाम तक पहुँचेगा बर एक ने तो जाना है और हर एक ने खुदा की तो रास्ते को तय करना है तो कितना ही खूब होगा कि इंसान खुदा के महर और उतुफत तक पहुँचे और आगोश रहमत इलाही तक तरफ जा पहुँचे इसी तरह कुरान करीम की बास दिगर आयत में खुदा के जाम कमालत होने के साथ साथ मुतलक रब होने के साथ साथ लामहदूद रब होने के साथ साथ मुतलक खालिक के तौर पर भी पहचानवाया जा रहा है और उसे उसके जरिए इबादत का और तवक्कुल का खुदा से महसूस होने पर दलील बयान की जा रही है सूरह मुबारक के अनाम की एक दो नंबर की आयत ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुआ खालिक कुल्ल शैय फ़अबुदू वहुवा अला कुल्ल शैय वकील इंसान को चाहिए अपने रब और खालिक की इबादत करे और सिर्फ उसी पर ही तो करे और खुदा इंसानों का तन्हा रब और खालिक है इसके बाद अगला तो पॉइंट वो ये इस आयत में इबादत और खुदाबंदी में मुंहर होने करने के लिए मुख्तफ तबीर इस्तेमाल की जा सकती है इस आयत में जो तबीर इस्तेमाल की गई है वो, यह, वो है दो लेकिन इसके बरस दूसरी तबीर भी इस्तेमाल की जा सकती थी अरबिक या तो इस में यह होता है उसके बाद मफूल आता है पहले वब आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता, आता है तो क्या वजह यहाँ पर कि खुदा करीमा ऑब्जेक्ट को इयाका के वर्क को यानी के वर्ड जो खुद खुदावंदी की तरफ इशारा कर रहा है इसको मुकदम कर रखा है नाबुदों पर फेल पर ईयाका को मुकदम किया है नाबुदों पर ईयाका का मुकदम किया है नस्त पर इसकी क्या वजह है इसकी वजह यह है कि वो मुहिद शख्स जो ज्यादा खुदावंदी के तमाम कमाल और जमाल का जामे खुदा मुताल को तमाम कमाल कमालमल का जामे और मालिक समझता है और खुदा के लिए मुतलक और लामहदूद रुबोबियत और मलिकत का कायल है शुरू से ही बल्कि हर चीज़ से कबल खुद खुदा का मुशाहिदा कर रहा होता है और ईका के लफ्ज़ को मुकदम करके ईयाका को नाबदों पर मुकदम करके ईयाका को नई पर मुकदम करके खुदा को इबादत को खुदा से ही महसूस कर रहा होता है वो इंसान जिसने गफलत के पर्दे को अपनी आंखों से हटा दिए सिर्फ उसी एक ज़दस का मुशाह कर रहा होता है और सुखन का इब्तदा उसी से ही करता है और इसी रूह से सिर्फ उसलत की आयत फिफ्टी थ्री में जहां पर यह बयान किया जा रहा है इस आयत में जो शहीद का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है शहीद से मुराद मशहूद है नाहद यानीद इंसान हर चीज को देखने से पहले उस चीज के बनाने वाले को देखता है हर चीज को देखने से पहले खुदा को देखता है और फिर गैर खुदा का नजारा करता है और गैर खुदा को भी जो देखता है वो खुदा के मजहर के तौर पर खुदा की निशानी के तौर पर देखता है क्योंकि हर जगह खुदा ही खुदा के मज़ाहिर है मज़ाहिर का जहूर है लिहाजा हर जगह उसे खुदा ही खुदा नजर आता है और खुदा का शहूज हर चीज के शहूज से बाल है हर चीज के शहूज से कबल है बल्कि खुदा ही मशहूद हकीकी है वो इबादत गुजार आबिद जो सबसे पहले अपने माबूद को देखता है और उसे मेज़ जमाल और कमाल के तौर पर जानता है इबादत की संग, संगीनी और सख्ती उसके लिए आसान हो जाती है बारदाह हक में इबादत के में चलने वाले सालकों के लिए इबादत करना शुरू में मुश्किल हुआ करती है और इसी बिना पर इबादत और इत पर सब्र बेहतरीन फजाइल में से और रा ईमान है नम्ण नम्ण एक में बयान फरमाते। क्या जसद। वादी में कदम नहीं रखा अगरचे नमाज कायम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन फिर भी हम देखते है कि बहुत सारे ऐसे जो ये नमाज कायम नहीं कर पाते और उसे मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि इंसान बसाओ सेल्फिश होता है खुदखा होता है अपने आप को देख रहा होता है ये सेल्फिश होना खुदखा होना इंसान को इजाज़त नहीं देता परमिशन नहीं देता कि वो किसी की बंदगी करे किसी के सामने अपनी पेशानी को खाक पर रखे क्योंकि वो तो अपने आप को मुस्तकिल दे रहा है लेकिन वो जो खाश बंदा है अपने महबूद की जमाल और ख़ूबसूरती को देख रहा है उसके लिए इबादत और बंदगी करना इंतहाई मीठा और आसान हुआ करेगी लेकिन वो जो बड़ी मुश्किल से अपनी नमाज एक करता है अगर जो उसने अपनी तकलीफ तो पूरी कर ली अब अपनी तकलीफ पर अमल तो कर लिया लेकिन नमाज पढ़ना उसके लिए मजेदार और लज्जत बख्श नहीं होगा लेकिन वो माबूद जो के के कमाल को नजारा करने वाला है के लिए ये नमाज पढ़ना लज्जत का बायस होगी और उसके लिए नमाज से हिजरान नमाज से दूरी उसके लिए गमगीनी और उदास का बायस बनेगी ऐसे लोग आपको यूं कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि हम इस दुनिया की अगर इस दुनिया की पूरी उम्र सिर्फ एक रात होती तो हम इस एक रात को भी पूरी रात रुकू और सुजूद में गुजारते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो खुदा ये सुबहान के जमालात को देखने मुस्तगरक थी और खुदा की जुदाई उनके लिए गम गुस्से का बायस था नमाज को अपनी आँखों की ठंडक के तौर पर पहचानवाते हैं जो ऐलत और रतवाईनी फिस्सलात और नमाज के वक्त अपने मखसूस बिलाल से फरमाते अरे बिलाल, बिलाल, ए बिलाल, अजान दो, अजान हमें राहती और सुकून पहुंचा तो खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें भी उन उनसे नमाज पढ़ने वालों में से करार दे कि जो नमाज की लज्जत को महसूस कर सके महसूस कर सके